अब फाइनली आ चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल, चलते हैं अंदर चलते हैं। काफी रश है आज, आई थिंक महाशिवरात्रि की वजह से है, बट काफी ज्यादा रश है। क्या हालत हो रही है यहाँ पे, उसको मिर्ची वड़ा खाने तो देखते हैं मिलता है कि नहीं, शक्कर लेकर आते हैं। नहीं हाँ, तो वो कल ना उसको कराएंगे ना। अब हम आ चुके हैं खोले गंगा जी टेम्पल, यहाँ विजिट करते हैं और फिर आपको बताते हैं दर्शन करते हैं। मत्था टिका दे सर, मत्था टिका दे।
कहाँ चल रहे हैं सर? अभी हम लोग जा रहे मुंबई सैंडविच, इनकेस अगर मिल जाए तो, बट वो बड़ा ही बेहतरीन होता है यहाँ पे से पूरी सैंडविच बड़े अच्छे होते हैं। और मेरा मेरे भाई का हमारा फेवरेट है वो, कहाँ सर? अच्छा बॉम्बे फास्ट सर। क्या सर? दो ही पैक करा ना सर। वो सैंडविच गर्म तो नहीं होंगे ना भैया? नहीं। हाँ गर्म। बॉम्बे सैंडविच होता है इनका, सिरपुरी होता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉग टुडे। आज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और अभी हम लोगों ने अपना खाने की सारी शिफ्ट ख़त्म कर दी हैं और कुछ नहीं कि मंदिर में थोड़ा प्रसाद मिल गया था तो उसके बाद हम लोगों को खाने का मन नहीं था, इसलिए हम खाने का कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि हम खाने गए ही नहीं। हम मुंबई सैंडविच लेकर आए थे जो कि हम खाने वाले हैं, बट आज बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी जो थोड़ी देर फ्री होगी क्योंकि बीवी ने थोड़ा परेशान किया, उसकी थोड़ी ऐसा उसको दिक्कत हो रही थी, रो रही थी मे बी बस के साथ बच्चे के साथ थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर से ही। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और हम लोग सुबह सोकर उठ चुका हूँ, नहा चुका हूँ, आराम से फ्रेश हूँ। इट्स 9:00 इन द मॉर्निंग और मैं यहाँ से कचौड़ियाँ पैक कराने आया था बिकॉज उसना की फैमिली में भी देनी है, तो काफ़ी सारी कचौड़ीज हम लोगों ने पैक कराई और उसके बाद अब मैं निकलूँगा और हम लोगों को ब्रेकफास्ट होटल में ही है तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद विल मूव टू दिल्ली अगेन और जो जो भी करते हुए चलेंगे सब आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। सो वी विल डू दैट एंड अभी चलते हैं फटाफट से और होटल पहुंचते हैं क्योंकि आई गेस सब उठ चुके होंगे, सब फ्रेशन अप हो चुके होंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहां से निकलेंगे। मैंने कचौड़ी वचौड़ी सब ले लिया है, वी ऑल सेट एंड डन। ये थोड़ा सा अदर साइड पर पड़ता था इसलिए मैंने आ गया यहां पहले ताकि हम वहां से बाईपास पकड़े और सीधा बाहर की ओर निकल जाएं। चलिए अब चलते हैं। सो मॉर्निंग एवरीवन, अब सुबह हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और रात को सत्यम की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, वॉमिटिंग हुई। हाँ वॉमिटिंग वगैरह, हाँ वॉमिटिंग हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि रात को मुझे 2 बजे मैसेज करेगी भाभी जब आप उठोगे ना तो मुझे मेडिसिन दे देना और मैं 4 बजे उठी व्यू को मतलब फीड कराने के लिए। बेचारा 2 घंटे तक इतने पेन में था, मैं उसको वही बोल रही थी मतलब नॉक करके ले लेता, बट एनी वेज अब वो ठीक है और अब हम फटाफट से दोबारा से खाना पहनने के लिए तैयार है। थैंक यू भैया। अब आ चुका है पोहा, खाकर बताते हैं आपको पोहा कैसा है। अब उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी कुछ आपका देखते हैं।
दे दे एक और छोड़ देना अगर चीनी है ना चीनी चीनी अब आ चुका है हमारे पास भाई पराठा और हमारी कड़क चाय जो कि हमारी फेवरेट है। पराठा अच्छा है, पराठा अच्छा है सत्यम। अब आया हमारा फेवरेट मसाला ऑमलेट जो कि बहुत ही सही दिख रहा है, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। ऑमलेट खाएंगे यार, ऑमलेट के साथ केचप ना अच्छा बोल नहीं सकता, केचप के साथ ऑमलेट का टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा ये लेंगे तोड़ेंगे और ऑमलेट लाजवाब, बहुत फ्लफी, बहुत डिलीशियस, फुल ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत अमेजिंग, सब कुछ लाजवाब। सब लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं, हम टाटा वाइवा कर रहे हैं। एक्चुअली जिस काम को करने आए थे ना, साला दिमाग में नहीं रहा कि दोनों दिन छुट्टी के हैं, वो काम लग होगा, बट वो ये शायद आई गेस वो एजेंट आया मेरे पास, तो मैं उससे बात कर लिए, सो आई गेस इट विल बी डन और आप निकल रहे हैं यहाँ से। बट आई गेस यहाँ पे आने का हमारा मेन मोटिव था शायद गोविंद देव जी टेम्पल जाना है या भगवान के दर्शन करना, और व्यू के फर्स्ट टाइम हुए दर्शन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि व्यू के दर्शन हुए। रेस्ट ऑल इज फाइन, अब निकल रहे हैं फटाक से यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकल के हमें काफ़ी लंबी जर्नी तय करनी है, बिल्कुल अभी 5 आवर्स वैसे भी विशी जी थोड़ा रुकते रुकते चलते हैं। हाँ लेकिन अब हमने थोड़ा कम कर दिया रुक रुक के चलना, पहले ज़्यादा चलते थे, पहले जब हम ट्रिप से आते ना मैं मेरे डैड हर जगह रुकते थे, मतलब हर आप ऐसे समझो आधे पौने घंटे में हमने कॉल देना था, कभी हमें चाय चाहिए होती थी, कभी हमें कॉफ़ी चाहिए होती थी, और हमारी मॉम परेशान हो जाती थी हम लोगों से, बट हम लोग ऐसे ही चलते थे। सो टाइम निकल रहे हैं, अब ज़्यादा हॉट्स नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही हॉट लेंगे बीच में स्पेशल अप होने के लिए, बाकी तो सब ऐसे चलते जाएंगे, और चलते तो दिखाते हैं, अगर कुछ भी रुकेंगे कुछ करेंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। अभी बंदरों केले डालने के केले वाला कहता कि ना इनको अभी आज केले नहीं, आज तरबूज पसंद आ रहे हैं। मैंने कहा भाई तो इनके मूड के हिसाब से हम बूफे थोड़े ना लगा दूंगा, मैंने कहा तो केले थे, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आगे डाल देंगे, आगे बहुत सारे बंदर आने, तो वाकई में कुछ बंदरों ने केले कम ही खाए, बट अब हम बाकी जो बच्चे हुए केले हम आगे डालने वाले। हाँ वाटरमेलन वगैरह सब खाते भी खा रहे थे वाटरमेलन, बेटा मुझे लगा ऐसे बोल रहा, बट देन ठीक है कोई ना, आगे चल के केले डालते। अब केले हमने इतने सारे ले लिए थे, बचा के भी क्या करना है, आगे जाके और बंदर देखते हैं, घूमते हैं हम तो, और फिर उनको डालते हैं, क्या सकते हैं। हाँ सर मिल जाएंगे आगे, हाँ आगे तो बहुत है। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं अपना फर्स्ट हॉल्ट और खा पीने जा रहे हैं चाय, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या यहाँ पे धूप बहुत तेज है, इसकी वजह से थोड़ा नींद आने लगती है, सो वी जस्ट हैव अ कप ऑफ टी और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, और चाय पीते हैं। चाय में खड़ी कर देता हूँ, बढ़िया ना। चाय का